भाई यार बहुत मुश्किल हो गया, इधर गाड़ी ठुक गई है, अभी नजम का इंतजार कर रहे हैं बहुत। इधर यही प्रॉब्लम है, गाड़ी ठुक जाए खड़े हो जाए कोई मुश्किल नहीं, बस ये जो नजम आता है ना इंश्योरेंस वाला, बहुत टाइम लगता है आने में। इधर देखो ये भाई की गाड़ी इधर है, ये पीछे से ठोक दिया, ये इधर, ये मेरा गाड़ी इधर है, इधर इस जगह पे ऐसा। अभी बताओ, इधर मैं गाड़ी खड़ा किया, उधर से गाड़ी आ रहा था, थोड़ा पीछे से ठोक दिया, क्या करो। अभी कफिल मेरा गलती है बोल रहा कि तुम्हारा गलती है, पीछे से कोई ठोक दे रहा तो मुझे बोल रहा है कि है, बहुत मुश्किल है इधर यार कफिल लोगों का। अब इधर देखो मेरा गाड़ी आगे खड़ा है, पीछे से ला के ठोक दिया पूरा, ये गाड़ी इसका पहले से भी टूटा हुआ था, अभी ठोक दिया। वैसे देखते हैं अभी नजम का इंतजार कर रहे हैं, नजम कब तक आता है, आएगा तो फिर आगे का वीडियो दिखाते हैं। अभी देखो इंश्योरेंस वाला आ गया इधर, अभी वो पेपर दिया है, पेपर पे सिग्नेचर करना है, अब लिखना है नाम मोबाइल नंबर, और उस पर लिखना है गलती किसकी है। इधर गलती निकल के आई है पीछे वाले की, क्योंकि उसने पीछे से ठोक दिया है, मेरी गाड़ी आगे खड़ी थी वो पीछे से लाके ठोक दिया, वो सामने वाला भी मान गया गलती मेरी है। यहाँ का कानून तो यही अच्छा है, अब इंश्योरेंस वाला ही पूरा पैसे पे करेगा। अब यहाँ से अभी मेरे मोबाइल में आएगा मैसेज, उसके बाद मैं जाऊँगा इंश्योरेंस ऑफिस में गाड़ी को लेके, उधर दिखाना पड़ेगा कितना गाड़ी डैमेज हुआ है, उस हिसाब से फिर उसका पैसा आएगा, कफिल के अकाउंट में आएगा फिर पैसा।